गाइस अभी जो है हम लोग आधे रास्ते पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। आते 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 दोस्तों पूरा हम लोग थक चुके हैं। और देखिए मंदिर का सराउंडिंग, तो मंदिर का एरिया पूरा क्लीन है दोस्तों, कहा अच्छा है। यहाँ में देखिए भगवान बुद्ध का मूर्ति बहुत सारे है। तो हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत है गाइस फिर से एक और मेरा नया ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बहुत दूर तक जर्नी करने वाले हैं गाइस, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा इस जर्नी में, आप लोग इस ट्रेवलिंग में आप लोग जरूर वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों एंड तक। तो हम लोग जाने वाले हैं आज पूरा हम लोग का दीदी गांव तक दोस्तों, तो उन लोग का गांव का नाम है सुगर मसूरा, तो वहां तक हम लोग आज जर्नी करने वाले हैं। आज का जर्नी बहुत ही लंबा होने वाला है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग जरूर वीडियो के साथ बने रहेगा और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों एंड बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जैसे कि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके मोबाइल पे मेरा नोटिफिकेशन को देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो चलिए देखते हैं गाइस, बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं आज का जर्नी, काफी मजा आ रहा है। अभी हम लोग जो फिलहाल हाईवे पर है दोस्तों, हाईवे फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, तो ये देखिए दोस्तों गाइस हम लोग रोहतला में पहुंच गए हैं। तो देख सकते हो आप लोग, ये देखिए साइन बोर्ड, तो इस तरफ जो है सीधा लुंगले की तरफ जाना है, तो इस तरफ जो है देमागिरी की तरफ दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। तो हाईवे तो अभी शोर के जा रहे हैं दोस्तों, तो ये रहा इस तरफ हाईवे गया है, तो इस तरफ जो है देमागिरी की तरफ। तो रास्ता देखिए गाइस, इस तरफ का रास्ता इतना अच्छा भी नहीं, थोड़ा खराब है, क्योंकि ये जो अभी नया नया काट के बना रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ रास्ता को, इसीलिए थोड़ा खराब है दोस्तों। तो उस तरफ वाला जो है अभी, मतलब वो तो हाईवे है ना, तो इसलिए वो थोड़ा अच्छा है अभी। तो गाइस अभी जो है हम लोग आधे रास्ते पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। आते 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 दोस्तों पूरा हम लोग थक चुके हैं, और हम लोग ऑटो को भी हम थोड़ी देर रेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ में देखिए एक वेटिंग सीट है, तो ऑटो भी वहाँ में रख दिया है, भैया जो है उस तरफ जो सुसु करने के लिए गया है। तो अभी व्यू को देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का नजारा, अभी तक सूरज नहीं निकला दोस्तों, तो हम लोग इतना जल्दी आया। आज जो है दोस्तों हम लोग क्या है ना, क्या पूरा 3:30 बजे आया है हम लोग वहाँ से, और कमला नगर से, तो आज का जर्नी बहुत ही लंबा होगा ना। तो थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहेगा, मैं आप लोग को पूरा हम लोग जहाँ पे जाएंगे वहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग लुंगसेन में पहुंच गए हैं दोस्तों, तो अभी मैं आप लोग को एक व्यू दिखा देता हूँ लुंगसेन का व्यू। तो देखिए गाइस ये रहा लुंगसेन। तो गाइस फाइनली हम लोग तुजुमपुल का गांव क्रॉस करके हम लोग यहां पे अभी रेस्ट कर रहे हैं दोस्तों थोड़ी देर, तो यहां से रेस्ट करके फिर अभी हम लोग जाएंगे यहां से। तो ये देखिए दोस्तों बैकग्राउंड, तो यहां पे रेस्ट किया हम लोगों ने। अभी जो है पूरा जो हाईवे रास्ता बना रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा होने वाला है रास्ता, तब तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा पहुँचने, मुलानगर तो देमागिरी तक पहुँचने में तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी जाते हैं गाइस फिलहाल यहाँ से, तो अभी जाएंगे, अभी सीधा जाएंगे गाइस देमागिरी तक।
तो कहीं पे नहीं रुकेंगे अभी, तो यहाँ से तो इतना दूर भी नहीं है, जल्दी से जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे अभी। तो आज बस के 10 मिनट हो गया है, कम से कम 9 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे दोस्तों देवगिरी में। फिर उसके बाद वहाँ से जाना है फिर से सिरपुर तक, तो सिरपुर में आज हम लोग डांस करेंगे दोस्तों। वहाँ में सिरपुर का मंदिर पर हम लोग डांस करने वाले हैं, वहाँ पर जाके हम लोग मिलेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी सिरपुर गाँव में पहुँच गए हैं, तो जहाँ पे बंती जी रहता है, जो मेरा बड़ा भाई है होता है दोस्तों, वो बंती जी यहाँ में रहता है, खुद का मतलब यहाँ में रहने के लिए आई है, तो वो यहाँ में रहता है, तो इसीलिए वो उन लोग तो अभी आ रहे हैं, तो अभी तक नहीं पहुँचा है। तो लॉन्च होगा हम लोग का यहाँ में सिलखुर में, तो मंदिर पे लॉन्च करेंगे आज हम लोग। तो लॉन्च करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे फिर से, तो सुगरासुरा में तो आज पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हम दीदी के गांव में हम लोग तो एक्चुअली जा रहे हैं दीदी के गांव गाँव में दोस्तों। तो बंती जी ने बुलाया था यहाँ में आने के लिए, बंती जी ने बोला है, तो इसीलिए हम लोग आया यहाँ सीधा यहाँ तक, तो यहाँ पे लॉन्च करके सीधा और यहाँ से हम लोग जाएंगे दोस्तों इस गाँव से। तो सिलखुर तो मतलब इतना बड़ा भी, यहाँ में देखिए दोस्तों, तो ये रहा सिलखुर का गांव पूरा, तो इस तरफ भी है गाइस, इस तरफ तो इतना दिखा भी नहीं देता, तो वो रहा गाइस सिलखुर का, और यहाँ में भी कार है इस तरफ में भी, तो ये होता है गाइस सिलखुर का गांव। तो मेरा तो पहली बार है दोस्तों, मैं पूरा फर्स्ट टाइम में आया, आज तक मैंने अब एक बार भी नहीं आया, तो आज मेरा फर्स्ट टाइम होगा। तो थोड़ी देर में मैं आप लोग को मंदिर को भी दिखाऊँगा, अभी मैं दुकान की तरफ आया हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा भूख लगा यार, अभी इतना भूख लग रहा है, क्योंकि वहाँ से पहुँचने में काफ़ी देर लगा दोस्तों। अभी 11 बजने वाले, और 11 बजने के बाद बंती जी खाना खाएंगे, और बंती जी लोग खाना खाने के बाद जो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ में देख के सिलखुर का गाँव, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लोरिंग करके दिखाऊँगा, तो आप लोग देखते रहना गाइस। यहाँ से घर देखने को मिलता है, जो मंदिर है दोस्तों, तो ये देखिए, तो इस तरफ जो है मंदिर है दोस्तों। तो अभी मैं आप लोग को पूरा मंदिर को एक्सप्लोरिंग करके दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहना दोस्तों, मेरे साथ बने रहेगा, मैं आप लोगों को मंदिर का एरिया दिखाऊंगा और मंदिर को कैसा है वो भी दिखाऊंगा गाइस। तो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, दिखते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है जगह भी, तो अभी ऊपर जाके देखते हैं गाइस। बस अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो ये रहा सिलखुर का गांव, तो आप लोग देख सकते हो इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो इस तरफ भी है, इस तरफ जो अभी अभी मैंने दुकान से आया है तो उस तरफ भी है दोस्तों। तो ये रहा मंदिर का एरिया दोस्तों, अभी जाके देखते हैं, मंदिर को भी पूरा दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों। तो ये रहा मंदिर, देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो अंदर जाके भी दिखाऊँगा गाइस मैं आप लोग को। तो ये जो है, तो देखिए मंदिर का सराउंडिंग, तो मंदिर का एरिया पूरा क्लीन है दोस्तों, काफ़ी सुनसान है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज पास टाइम आके भी। तो देख सकते हो, तो ये रहा सिलखुर का मंदिर, ये है दोस्तों। तो अभी अंदर जाके देखते हैं गाइस कैसा है, दिखने में कैसी थी। तो ये रहा अंदर ऐसा है, तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, देखिए अच्छा है, बढ़िया लग रहा है गाइस। तो अभी भगवान बुद्ध को जाके देखते हैं गाइस। तो ये रहा गाइस, ये है, तो यहाँ में देखिए भगवान बुद्ध का मूर्ति बहुत सारे है, तो देख सकते हो गाइस। तो ये रहा, ये होता है सिलखुर का गांव का मंदिर, सिलखुर का मंदिर दोस्तों। तो ये रहा दम महल, बंती जी लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, देखिए ये वाला है वो घर। तो ये जो है दम महल, पूरा का पूरा दम महल, देखिए कुछ इस तरह का ही है। तो दोस्तों मिलेंगे लॉन्च करने के बाद, अभी बस इतना ही है, तो मैं आप लोगों को लॉन्च करने के बाद कहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे, कहाँ पे जर्नी करेंगे आज हम लोग, तो वही दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। One hour later. गाइस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं सिलखुर से, तो फाइनली गाइस अभी बिल्कुल रात हो चुका है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर पे। तो आप लोगों को तो बताया दोस्तों हम लोग कहाँ पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, पूरा सुगरासुरा में हम लोग पहुंच गया है, तो आज हम लोग यहाँ पे बिताएंगे, आज यहाँ पे रहेंगे दोस्तों। तो
आज का जर्नी काफ़ी लंबा हुआ है दोस्तों, तो आप लोगों को तो दिखाया मैंने रास्ता वगैरह जो है कहाँ कहाँ पे हम लोग ट्रैवलिंग किया और कहाँ कहाँ पे जर्नी किया, तो बहुत ही लंबा हुआ आज का वीडियो। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे पहुँचते ही खाना पीना हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल डिनर अच्छे से खा लिया हम लोगों ने और बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुका है दोस्तों हम दोनों, और भैया भी थकान हुए और मैं भी थकान हुआ हूँ। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आए तो एक बार जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, एंड चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड बेल आइकन को ऑल पे रखिए दोस्तों। मैं जैसे कि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके मोबाइल पे मेरा नोटिफिकेशन को देखने को मिलेगा, ऐसा आप हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा नया नया ब्लॉग और नया नया चीज़ों को, नया नया ऑर्गेनिक सब्जियाँ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस, गुड नाइट सभी को, बाय बाय।